बिग बॉस 14 के घर में रोवीना दिलायक को लोग विनर मान रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनकी विदाई इतनी जल्दी कर दी जाएगी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। जी हाँ, घर का माहौल अचानक से हंसी से गालियों में बदल गया और रोवीना ने बिग बॉस के घर में हाथ जोड़ लिए। जी हाँ, जब रोवीना को अपमानजनक गालियां दी गईं तो उनका पानी सिर से नीचे उतर गया। उन्होंने कह दिया कि मेरी इज्जत से बढ़कर ये शो नहीं है। जी हाँ, रोवीना को गंदी गालियां मिली, नौबत मारपीट तक आती है कि उससे पहले रोवीना ने बिग बॉस के हाथ जोड़ लिए। आने वाले एपिसोड में आप रोवीना की सोनाली फोगाट से गंदी वाली लड़ाई होते देखेंगे। सोनाली फोगाट, जिनका असली चेहरा रोवीना ने दिखा दिया, जो अब तक शो में बिल्कुल गुम थी। लाइट में आने के लिए सोनाली फोगाट ने राखी और रोवीना का पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त यही दोनों कंटेस्टेंट सबका ध्यान खींच रही हैं। सोनाली फोगाट कभी राखी के साथ दूसरे कंटेस्टेंट की चुगली करती देखी जाती हैं, तो कभी एलिगोनी को फ्लर्ट करती देखी जाती हैं, और रोवीना से लड़ गई वो। सुबह सुबह कंटेस्टेंट किचन एरिया में मस्ती मजाक कर रहे थे, सबके चेहरे पर नए दिन की एक अलग ही मुस्कान थी। तभी सोनाली फोगाट बात छेड़ते हुए पहले निक्की तंबोली को टारगेट बनाती हैं। वो निक्की तंबोली से तूतू मेमे करती, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हुए कहती हैं कि जिसने भी मेरे नाम का टैग तोड़ा उसकी हवा टाइट होती है, मेरे सामने आने से वो डरती है। सोनाली गंदी गाली भी देती हैं। उसके बाद रोवीना कहती है कि जवान संभाल कर बात करें। सोनाली कहती है कि मैंने तेरा नाम नहीं लिया। रोवीना कहती है कि मैंने ही तेरे नाम का टैग तोड़ा था, तो आप मुझे ये गालियां दे रही हो। रोवीना कहती थी कि मैं तो आपको माँ के समान मानती हूँ, लेकिन आप माँ बनने के लायक नहीं हो। अपनी बेटी को भी ऐसी गाली सुनाती हो क्या? रोवीना सोनाली की बेटी को भी खींच लाती है, और ये सुनते ही सोनाली का गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है और वो मारपीट करने के लिए बार बार आगे बढ़ती हैं। इधर रोवीना को संभालने उनके पति अभिनव और रिक्की तंबोली आके आती हैं, तो उधर सोनाली तरफ से अर्शी और राहुल भी बदतमीजी पर उतर आते हैं। और आखिर में रोवीना गंदी गालियां सुनने के बाद कहती हैं कि मुझे निकालो, मैं इतने गंदे शब्द सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, वो भी बिना बजाए। इन्हें ये तक नहीं पता कि वो गेम के लिए ऐसा किया गया है और वो पर्सनल हो रही हैं। अगर उन्हें पर्सनल बातों पर बात करनी है तो वो यहाँ आई ही क्यों है। इसके बाद रोवीना को उनके पति अभिनव और निक्की तंबोली उन्हें संभालती है। इससे पहले रोवीना बजट को लेकर भी रोती देखी गई थी। रोवीना दिलैक को लोग बिग बॉस 14 का विनर बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि रोवीना में वो काबिलियत है, वो खासियत है जो दूर से ही दिखती है, वो वाकई में जीत के लायक हैं। कहीं ना कहीं घर वालों को भी ये बात पता चल चुकी है कि रोवीना को बिग बॉस 14 विनर बनाएंगे। ऐसे में घर वालों ने रोवीना को तंग करना शुरू कर दिया है, उन्हें खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया है, उन्हें अनाप शनाप शब्द बोले जा रहे हैं, इतना मजबूर किया जा रहा है कि रोवीना खुद बिग बॉस छोड़कर भाग जाएं। लेकिन रोवीना की ढाल बनकर खड़े उनके पति उन्हें हर कदम पर विनर बनने का हौसला दे रहे हैं। देखिए, जब घर वालों ने रोवीना को आउट करवाने में पूरी ताकत लगा दी, तब अभिनव ने ही रोवीना को समझाया और उनके आंसू पोछे। दरअसल एक वीकेंड में देखा जा रहा है कि सलमान खुद रास्ते के कांटे वाले टास्क से जानते हैं कि कौन किसे हटाना चाहता है। एजाज, राखी से लेकर राहुल तक ने रोवीना को रास्ते का कांटा बताकर नॉमिनेट किया, लेकिन इस वक्त रोवीना के सबसे करीब निक्की तंबोली दिखी। निक्की तंबोली ने रोवीना का साथ दिया और उनके पति तो हमेशा ही उनके साथ हैं। जी हाँ, कुछ दिनों से रोवीना की दोस्त निक्की तंबोली बन गई हैं। जब वो रो रही थी तो निक्की को रोवीना के करीब देखा गया और निक्की रोवीना अभिनव से राहुल का पर्सनल सीक्रेट भी शेयर करती नजर आई। जी हाँ, निक्की तंबोली रोवीना और अभिनव को बता रही थी कि राहुल सोते वक्त अंडरवियर नहीं पहनता है। निक्की अंडरवियर को दूसरी भाषा में बोलती हैं, जिसे सुनकर रोवीना और अभिनव दोनों जोर जोर से ठहाके मारने लगते हैं। और एक बार तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि निक्की को राहुल के अंडरवियर की बात कैसे पता। उसके बाद अभिनव पूछ ही लेते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि राहुल अंडरवियर पहनता है कि नहीं। तब निक्की कहती है कि जब राहुल मुझसे लड़ेगा तो मैं उससे बोलूंगी कि पहले अपना अंडरवियर तो पहन कर आ, फिर बात करना। रोवीना अभिनव दोनों निक्की को ये बात बोलने से मना करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये पर्सनल सीक्रेट गेम में ना इस्तेमाल करें, लेकिन निक्की कहाँ मानने वाली, वो राहुल को ये बात बोल कर ही रहेंगी।
उसके बाद घर में जब लग्जरी बजट आता है तो एजाज और राहुल दोनों कहते हैं कि ये सामान तो हम लोग एक दिन में ही खत्म कर देंगे। रुबीना जवाब देती हैं। रुबीना कहती हैं ये सामान तो ज्यादा दिन तक चलेगा क्योंकि एक बार में खाने से आप लोगों का पेट खराब हो सकता है। अभिनव कुछ दिन से वैसे भी पेट परेशानी से जूझ रहा है, इसलिए आप लोग भी अपनी डाइट का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। ये बात एजाज और राहुल को बुरी लग जाती है और वो रुबीना पर टूट पड़ते हैं और रुबीना को गंदे शब्द भी बोलने लगते हैं। हद तो तब होती है जब एजाज राहुल दोनों रुबीना को नल्ली शब्द बोलते हैं, जिसे सुनकर रुबीना अकेले में जाकर बहुत रोती हैं। वो अपने आंसू नहीं रोक पाती हैं। रुबीना को रोते देख उनके पति अभिनव उन्हें समझाते दिखते हैं कि यहाँ कोई समझाने के लायक नहीं है, इसलिए तुम सभी को अपना ज्ञान मत दिया करो। रुबीना भी कह रही है कि मैं तो उनके अच्छे के लिए बता रही थी, लेकिन ये सब मुझे बुरा बनाते हैं। निक्की भी आती है और रुबीना के आंसू पोंछती हैं। दोनों समझाते हैं तब रुबीना समझ जाती हैं। रुबीना इतना रोती हैं कि वो ये तक कहने लगती हैं कि इतना टॉर्चर अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, मुझे जाना है। लेकिन उनके पति उन्हें गेम जीतने का हौसला देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, रुबीना या अभिनव में से कौन बिग बॉस 14 का विनर बनने लायक है? बिग बॉस 14 के सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाले कंटेस्टेंट रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला हैं, जिनकी हंसी मजाक और नोकझोंक वाली कई सारी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। दोनों में जहां खूब रोमांस देखा जाता है तो वहीं पिछले हफ्ते गंदी वाली फाइट भी देखी गई थी। पति पत्नी में ऐसी नोकझोंक देखकर लोग भी घबरा गए थे, लेकिन समय रहते दोनों ने आपस में समझौता किया और फिर एक हो गए। क्यूट क्यूट वीडियो इनकी सामने आ रही है। एक वीडियो में जहां रुबीना दिलैक तैयार होती दिख रही हैं, आंखों में लाइनर लगा रही हैं, तो वहीं उनके पीछे अभिनव भी कपड़े पहनते दिख रहे हैं। तभी रुबीना पति अभिनव से कहती हैं कि अनाउंसमेंट हो चुका है, तुम लोग बाहर जाओ। लेकिन अभिनव तो तैयार होते दिखते हैं। अभिनव तैयार नहीं होते हैं और वहां से वो कपड़ा उठाकर रुबीना के बैक साइड मारने लगते हैं। अभिनव कहते हैं पहले तू तो खुद तैयार हो जा। अभिनव मानते ही नहीं है और लगातार 2-3 हाथ रुबीना के लगा ही देते हैं। रुबीना इरिटेट हो जाती है और आखिरकार वो कहती दिखती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं लाइनर लगा रही हूं, इसलिए परेशान मत करो। खैर इनकी मस्ती और नोकझोंक वाली वीडियो होती है। अभिनव पत्नी रुबीना को तंग करके बाहर की तरफ भाग जाते हैं। इनके अलावा रुबीना अभिनव की आपको कई सारी वीडियो दिखेंगी जिसमें पत्नी रुबीना अभिनव को मनाती नजर आ रही हैं। वहीं अभिनव पर भी कई महिला कंटेस्टेंट लाइन मारती नजर आ रही हैं, जिसमें राखी सावंत और आशी सबसे आगे हैं।